First of all, don't be sorry at all. Life is here to celebrate. No one, matter what situation is outside there. हम लोग भी जिस धर्म यात्रा पर निकले हैं उसके अंदर सॉरी वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में कहीं है ही हाँ हमसे कुछ गलती हो जाए तो या वी आर वेरी सॉरी बट इफ वी हैव डन अ जॉब एट इट्स बेस्ट एंड स्टिल द सिचुएशन इज नॉट वेरी कंड्यूसिव देन आई थिंक वी डोंट नीड टू बी सॉरी अबाउट इट बिकॉज इस सॉरी के नोट पर अगर आनंद प्रभु आप कुछ भी सुनेंगे ना तो विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग सो फर्स्ट अपने माइंड को इस गिल्ट से आजाद कर दो कि कोई भी नहीं आया मेरे लिए तो आप भी बहुत दुख क्या पता आपके लिए ही हम यहाँ आए हो सीधा तो आपके घर पर आ नहीं सकते थे सो परमात्मा ने आयोजन किया हो शायद आपको अवेकन करने के लिए आई थिंक इट्स मोर देन एनफ सो प्लीज प्रिक दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट आउट ऑफ यू And no sorries, no apologize, because on the path on which we are moving, it's full of gratitude. The path on which we are moving, it's full of happiness. No sadness is ever invited in this path. हम लोगों के लिए तो धर्म यानी आनंद. By chance आपका नाम भी आनंद है, so I can't help it out. But if you have listened few of my satsang on YouTube. You must have heard this punchline always. Dharma yani anand. Religion means happiness, irrespective of situations coming outside. If you are happy from inside, you are a religious man. If you are not happy at inside end, agar aap andar se khush nahi hai, aap dharmik lagte nahi hai. Is spiritual ride par hum log nikle hai to awaken the human consciousness. और इनफैक्ट आपको कहें तो हम लोग खुद भी बहुत अज्ञात में हमने छलांग मारी है इट्स टोटली इनफाइनाइट वर्ल्ड इन विच वी हैव एंटर्ड जस्ट बाय दिस फ्यू क्लिक्स कहीं डलास वगैरह में सत्संग हुआ तो 200 प्लस लोग भी आ गए कहीं गुमोन में था तो 150 लोग कहीं 50 लोग कहीं और कम कहीं कितने कितने हमें लोगों से मतलब नहीं है बट आई ऑलवेज टेल दिस पीपल कि हम लोग जितने इस ड्राइव के फर्स्ट सर्कल के साथ में है हम लोगों का काम चौकीदारों जैसा है कैसा है चौकीदारों जैसा दूसरों को जगाने का काम कर रहे हैं For all these actions
एक्शंस, हमारे पर्पस कितने क्लियर है, कैफेटेरिया, सिनेमा, मॉल, बेड, डाइनिंग टेबल, हर चीज के लिए हमारा पर्पस कितना क्लियर है. बट आर वी क्लियर अबाउट व्हाई वी हैव विजिटेड दिस ह्यूमन लाइफ? हमारे ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या हमें क्लियर है? वी आर हियर टू अवेकन पीपल ऑन दिस ग्राउंड ओनली. अवेकन योरसेल्फ टू दिस रियलिटी कि व्हाई यू आर इनटू दिस ह्यूमन लाइफ. आप कैफेटेरिया में है, आपके लाइफ का पर्पस क्लियर है आपको? क्या आप कॉफी पीने हैं? आप मॉल में है, आपके लाइफ का पर्पस क्लियर है कि आप शॉपिंग करने मॉल में गए हैं? तो आप ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो आपके आपकी लाइफ का, आपके एग्जिस्टेंस का पर्पस क्लियर है कि नहीं? आर यू क्लियर व्हाई यू आर हियर? कोई कहता है हम मोक्ष के लिए आए हैं, कोई कहता है हम कर्मों की निर्जरा के लिए आए हैं. क्योंकि जब धार्मिक सभाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही आंसर होते हैं. जरा धार्मिक सभा से बाहर निकलकर पूछे जाए तो आंसर चेंज हो जाते हैं. एक बड़ा हाउस खरीदना है, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, एंड दैट सॉर्ट ऑफ आंसर्स आते हैं. बट व्हेन आई आस्क सच क्वेश्चंस इन द रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस, तो यहां पर तो यू विल गिव कि हाँ हम लोग मोक्ष के लिए आए हैं. व्हाटएवर, वेदर इट इज मोक्ष और धर्म और बड़ी गाड़ी और बड़ा हाउस, व्हाटएवर इट इज, बट बी क्लियर दैट द गोल ऑफ एवरी गोल इज हैप्पीनेस. दिस इज द पंचलाइन ऑफ आवर मिशन. The goal of every goal you want to accomplish or you have accomplished in this life is just one, and that is happiness. जीवन में हम जब भी कुछ भी करते हैं या करना चाहते हैं उसके पीछे उद्देश्य एक ही होता है और वो क्या है? आनंद. Coincidentally so नहीं, but it's always happiness जिसके लिए हम कुछ करते हैं. क्या हम कभी ये कहेंगे कि हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हम बड़े दुखी होना चाहते थे? ना, हम मूवी देखने गए हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी सैड एंड कम बैक. हम ट्रेजेडी मूवी देखने जाते हैं ना तो भी हम खुशी के लिए जाते हैं, इज़न्ट इट? फिर भले रो के आए, बट व्हाटएवर वी डू इन लाइफ वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस. आप छोटी गाड़ी खरीदें तो खुशी के लिए खरीदते हैं, छोटी से बड़ी गाड़ी खरीदें तो फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, बड़ा हाउस खरीदे तो भी फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेजे तो भी फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस. आप लोग केवल प्रभु आप लोग हमको ज्वाइन करने यहाँ आए हैं सैंडियागो से, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस. ऑल्दो ड्राइविंग कैन बी द आउटर पर्पस, बट इनर पर्पस ऑलवेज रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज हैप्पीनेस. कैन यू रियलाइज दिस गोल ऑफ योर लाइफ कि हम इस ह्यूमन लाइफ इन फॉर्म में आई ए हैप्पीनेस के लिए. द गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बींग एंड एवरी ह्यूमन लाइफ इज जस्ट टू अटेन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. गोल इज क्लियर, देन लेट मी आस्क द सेकेंड क्वेश्चन, आर वी हैप्पी? बिकॉज अगर हमारा गोल सेट है तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आफ्टर 30 ईयर्स के 40 ईयर्स या आफ्टर 60 ईयर्स आर वी एबल टू से दिस थिंग, क्या अब हमने आनंद को पा लिया है, अब हम खुश हैं? हम कह सकते हैं क्या कभी? क्या कोई 60 इयर्स का इंसान ऐसा कहता हो तुम आपने कभी सुना कि आई हैव सैटिस्फाइड, आई हैव गैदर्ड एनफ हैप्पीनेस इनटू दिस लाइफ? हैव यू एवर हर्ड लाइक दिस? नोप्स, कहीं नहीं. समवेयर पहले तो हमने कभी गोल ही लाइफ में सेट नहीं किया और गोल सेट किए बिना बस भागते थे भागते रहे. अब इस स्पिरिचुअल ड्राइव के माध्यम से हम लोगों के अंदर पहले तो ये गोल को सेट कराना चाहते हैं, सेट द गोल ऑफ योर लाइफ. गोल क्या है? हैप्पीनेस. देन आस्क द सेकंड क्वेश्चन, आर यू हैप्पी? एंड यू विल गेट द आंसर नो. चाहे जितनी जितनी बार जो जो इच्छा की, कभी अपने कार्मिक क्रेडिट्स थे तो वो इच्छाएं पूरी भी हुई है लेकिन हैप्पीनेस कभी भी पूरी नहीं हुई. वी हैव नेवर अटेंड दिस हैप्पीनेस. तो ये हैप्पीनेस क्यों नहीं पूरी होती? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई वी डोंट गेट? क्योंकि लोग हमें वहां इंडिया में कहते हैं यूएस जाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे, यूएस में जाके सेटल होने से पीपल बिकम हैप्पी. बट आफ्टर कमिंग नाउ टू यूएस आई रियलाइज्ड कि वी आर मोर हैप्पी इन इंडिया. We get all sort of assistances, all sorts of help, all sort of facilities. We really get there in India. लेकिन फिर भी कहीं लोगों के अंदर माइंड में ऐसा है
या यूएस वालों को लगता होगा तो कि इंडिया के हम हैप्पी होंगे, तो वहां पर भी आप दुनिया भर के हर तरह के अनहैप्पी लोग आप वहां पर भी देख पाएंगे. हैप्पीनेस इज नेवर इन सिचुएशंस, इट्स इन आवर एटीट्यूड. हु इज रिलीजियस? बिकॉज द टाइटल फॉर टुडेज सेशन इज हु इज रिलीजियस. द रिलीजियस पर्सन इज द वन हु हैज अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि हैप्पीनेस इज नॉट द मैटर ऑफ सिचुएशन, इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड. हम लोगों को लगता है कुछ इतना 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 पूरा होना, यानी आज अगर ये हॉल हाउसफुल हो तो हम हैप्पी, हाउसफुल ना हो तो हम अनहैप्पी. हम कभी भी लाइफ में हैप्पीनेस को गारंटी नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल दिस पीपल, दे आर कमिंग, दे आर गोइंग, दे आर स्टेइंग, वी कैन नॉट कंट्रोल इट. सो हैप्पीनेस इज नॉट according to the situations, but happiness is according to our attitude. हम क्या सोचते हैं ना उससे हम खुश होते हैं, हम कैसा सोचते हैं ना उससे हम खुश होते हैं. But somewhere तुम्हें यात्रा कहीं भीतर करनी पड़ेगी, बाहर नहीं.
धर्म के नाम पर हम सभी बाहर भाग रहे हैं, वहां इंडिया में भी और मैंने यहाँ पर भी देखा। और इनफैक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या हो गई है, व्हाट आई कैन एनकाउंटर इज दैट धर्म एक्चुअली हर संप्रदाय सर्व करता है एक एक विंडो के विंडो को, लेकिन हर संप्रदाय का काम ये है कि तुम्हें धर्म की प्राप्ति कराए। There are so many windows in this room, लेकिन इस विंडो का पर्पस क्या है कि they should connect yourself, you, to the outer sky, isn't it? इस विंडो का पर्पस क्या है कि ये आपको बाहर की स्काई के साथ कनेक्ट करे। This door cannot connect you, but this window can connect you with the outer sky. हर संप्रदाय, हर सेक्ट, हर कम्युनिटी आजकल एक एक विंडो की तरह अगर आप समझें कि हर कम्युनिटी एक विंडो बन गई है और हर किसी को अपनी विंडो से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा इनफैक्ट आग्रह हो गया है कि मेरी विंडो राइट, तुम्हारी विंडो राइट होगी, बट इट इज राइट ओनली इन दैट केस इफ इट अलाउज यू टू लुक इन टू द एंटायर स्काई, तुम्हें अनंत आकाश की ओर देखने का मौका दे। और अनंत आकाश यानी जहां कोई बाउंड्रीज नहीं है। रिलीजन के नाम पर हमने कम्युनिटीज की इतनी छोटी छोटी बाउंड्रीज बना दी है, इतनी छोटी छोटी कम्युनल हमने वॉल्स क्रिएट कर दी है कि उस वॉल्स और उस बाउंड्रीज के कारण हम ओपन स्काई की तरफ कभी देख ही नहीं पाते। आई हैव एनकाउंटर्ड दिस थिंग विद इन एवरीवन कि जैन कहता है कि मेरा ही राइट है, उसमें बुद्ध का राइट नहीं, क्रिश्चियन का राइट नहीं है। इनफैक्ट उस जैन में भी कहते हैं, देरावासी कहते हैं मेरा राइट है, सानकवासी का राइट नहीं है, सानकवासी कहते हैं दिगंबर का राइट नहीं है। Everybody is holding their आग्रह, हर कोई यही कहता है मेरा राइट है। I say everything is right. If you listen to these satsangs, आपने सुना होगा हर धर्म अपनी जगह पर राइट है, because they serve the role of only windows. उसका पर्पस क्या है? तुम eternal sky, boundless sky की तरफ जाकर देखो, देख पाओ, या इस विंडो को खोलकर ठंडी हवा को अपने तक आने दो। इस दीवार में से ठंडी हवा आ सकती है, इस दीवार में से आप उसको देख सकते हो आकाश को, यू कैन नॉट। धर्म का काम यही है कि तुम तक वह ठंडी हवा पहुंचे, तुम तक वह ओपन ब्रीज, वह आनंद पहुंचे, लेकिन हम सब इतने सिकुड़ गए हैं अपनी मान्यताओं के अंदर कि वी नेवर कनेक्ट टू द राइट मीनिंग ऑफ रिलीजन। रिलीजन मीन्स लुकिंग इन टू द एंटायर वास्ट स्काई वेयर नो बाउंड्रीज आर देयर, जहां कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। ये मेरा, ये तुम्हारा, और यूजुअली ये इक्वेशन है कि मेरा वो अच्छा और तुम्हारा वो नॉट सो वेरी गुड, नॉट सो वेरी क्लियर। ड्रॉप ऑल दीज बाउंड्रीज, बिकॉज इस अवेकनिंग में सबसे पहले तुम लोगों को बाउंड्रीज ड्रॉप करना सिखा रहे हैं। वी आर ऑन द स्पिरिचुअल ड्राइव एंड स्पिरिचुअल ड्राइव डील्स विद द स्पिरिट। स्पिरिचुअल ड्राइव डील्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिट। रिलीजियस व्यक्ति वो है जो सारी बाउंड्रीज को गिराकर स्पिरिट की तरफ, स्पिरिट यानी यू कैन कॉल इट आत्मा, यू कैन कॉल इट सोल, यू कैन कॉल इट परमात्मा, यू कैन कॉल इट एनर्जी, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। जैसे इस कमरे के अंदर लाइट है, ट्यूबलाइट चल रही है, जरूरत हो तो पंखे चले, माइक चलेगा, चल रहा है अभी, प्रोजेक्टर चल रहा है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। लाइट का काम है इस ट्यूबलाइट का हमें प्रकाश देना, इस माइक सिस्टम का काम क्या है मेरी आवाज को एम्पलीफाई करके आप सब तक पहुंचाना, इस प्रोजेक्टर यूनिट का काम क्या है कि कोई भी पिक्चर को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना, इस पंखे का काम क्या है हमें हवा पहुंचाना। सी अलग अलग इलेक्ट्रिकल यूनिट्स है, सब अलग अलग पर्पस को सर्व कर रहे हैं, लेकिन उन सब इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के पीछे व्हाट इज द ओनली सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, isn't it? इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पीछे सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। वो सोर्स अपने आप को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, कहीं पंखे की तरह, कहीं ट्यूबलाइट की तरह, कहीं माइक की तरह, कहीं प्रोजेक्टर की तरह, लेकिन सोर्स इज वन। और वो सोर्स ऐसा कहते हैं कभी कि मैं पंखे की इलेक्ट्रिसिटी हूं, मैं लाइट की इलेक्ट्रिसिटी, वो सोर्स ऐसा बोलता है, वो सोर्स ऐसा कहते हैं क्या कि मैं माइक की इलेक्ट्रिसिटी हूं, नो। Source doesn't have any such boundaries. Source is source. Similarly, we all are energy at inner level. That is what you call as spirit. हम सभी inner स्तर पर एक spirit हैं. Outer forms में कोई man है, कोई woman है, कोई
कोई इंटेलिजेंट है कोई नॉट सो इंटेलिजेंट, कोई ब्यूटीफुल कोई नॉट सो ब्यूटीफुल, कोई इंडिया में रह रहा है कोई यहाँ रह रहा है, कोई जॉब करता है कोई बिजनेस करता है, आउट ऑफ फॉर्म में हर कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट द इनर सोर्स व्हिच इज लाइंग इन यू एंड मी इज ऑल सेम. एंड व्हाट इज दैट इनर सोर्स? दैट इज कॉल्ड स्पिरिट. कहीं वननेस के ऊपर बात करेंगे ना तब बात बनेगी, बिकॉज अदरवाइज तो इतनी बाउंड्रीज क्रिएट हो गई है कि देयर इज नो वननेस एनीवेयर. वी आर ट्राइंग टू अवेकन पीपल कि आप स्पिरिट के स्तर पर बात करो, देयर इज नो बाउंड्रीज ऑन दैट लेवल. धर्म के स्तर पर बात करना शुरू करते हो, हमारे भगवान ने ऐसा कहा, हमारे भगवान ने ऐसा कहा. ड्रॉप दीज थिंग्स, सेट द गोल इन योर लाइफ दैट आर यू हैप्पी व्हाइल डूइंग एनीथिंग. इफ यू आर हैप्पी fine, if you are not happy the causes within you. Who is religious, whose mind is very scientific? Hum log religious insaan ko zyada tar andhvishwasi mante hain, lekin religious insaan sabse zyada scientific buddhi wala hona chahiye, because he should understand this theory of cause and effect ke agar kahin par effect hai, if I am getting unhappy the cause must be there. He must be knowing the theory of कॉज एंड इफेक्ट. अगर मेरे अंदर कहीं दुख है तो कहीं कारण होना चाहिए, और दुख कहाँ है? अंदर है, तो कारण कहाँ होना चाहिए? अंदर. वेरी रिसेप्टिव क्राउड, जितने भी है रिसेप्टिव है. दुख अंदर है तो कारण अंदर है. बस इतनी इक्वेशन को सेट करने में वैसे तो सालों निकल जाते हैं. यूजुअली हमें ऐसा लगता है दुख अंदर है ना तो कारण कहाँ है? बाहर. This person is not behaving properly enough, इसलिए हम दुखी हैं. This person is not behaving in a right manner, इसलिए हम दुखी हैं. No, religious person sets this equation in the life कि if there is hurt inside, then the reason is also inside. ये equation set करनी पड़ेगी. हम लोग इस awakening time में बस कुछ equations को उल्टा-उल्टा कर रहे हैं. जो आपकी एग्जिस्टिंग इक्वेशंस है ना उसको थोड़ा चेंज करके, थोड़े बहुत उसके अंदर बेसिक प्लस माइनस के सिंबल्स को चेंज करके, वी आर ट्राइंग टू सर्व इट टू पीपल. अभी तक हमें क्या लगता था? इफ आई एम हर्ट, मुझे दुख हुआ है तो कारण कहाँ है? बाहर. ऐसा लगता था ना? लगता है अभी भी लगेगा थोड़ी देर बाद. लेकिन समवेयर इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम रिलीजियस यू हैव टू कन्वर्ट यूर दिस इक्वेशन. अगर दुख अंदर है तो कारण भी अंदर है, और रेमेडी कहाँ है? वो भी अंदर है. हमें लगता है यहां तक तो इंसान पहुंच जाता है, दुख अंदर है कारण अंदर है, लेकिन वापस रेमेडी लेने बाहर भागता है. अगेन रॉन्ग. यू हैव टू सेट दिस इक्वेशन. इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अनहैप्पीनेस इनसाइड, देन द रीजन इज विद इन यू, एंड रीजन इज विद इन यू, देयरफॉर रेमेडी उसका उपचार भी तुम्हारे अंदर ही होना चाहिए. जब तक हम ये इक्वेशन सेट नहीं करेंगे लाइफ में, आई डोंट थिंक इन द नेम ऑफ रिलीजन वी कैन मूव एनी स्टेप फर्दर. क्योंकि रिलीजन के नाम पर मैं देखती हूँ भीड़ बहुत बढ़ रही है हर जगह. आपके सिंसिनाटी की बात अलग है, बट अदरवाइज एवरीवेयर भीड़ बढ़ती जा रही है. कोई मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं, नॉट एटलीस्ट संडेज को तो बिल्कुल नहीं है. अभी हम संडे कौन से मंदिर में थे? ह्यूस्टन. या ह्यूस्टन के मंदिर पे तो क्योस्क था, मतलब इतना तो वहां पर मॉल्स में इतनी भीड़ नहीं होती होगी मॉर्निंग टाइम पर, उतना मंदिर में भीड़ थी. ग्रेट. भीड़ बहुत बढ़ रही है, लोग धर्म बहुत कर रहे हैं, बट दे आर नॉट चेंजिंग देयर इक्वेशंस. दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद रॉन्ग फॉर्मूला. डू यू थिंक इट विल बी एबल? मैथ्स का जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तमन्ना सबकी है, सबने खूब सारे क्वेश्चन पेपर से इकट्ठे किए, लेकिन कहीं राइट फॉर्मूला ही नहीं आता एंड नॉट गेटिंग द राइट मार्क्स और दुखी रहते. बट व्हाई डोंट यू थिंक कि हम लोग कहीं फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा रहे? पीपल आर नॉट रेडी टू थिंक. फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द गोल ऑफ योर लाइफ. ये तो पहले आज के सेशन में. अच्छा, हम थोड़े लोग हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पर्सनल बातें कर रही हूँ, किसी के घर पर बैठ के आराम से पर्सनली बातें कर रही हूँ. सेट द गोल ऑफ योर लाइफ. एंड व्हाट इज द गोल? दरअसल राइट नाउ हैप्पीनेस अगर हमारा गोल है तो आफ्टर 10 इयर्स, क्योंकि यूजुअली हमने देखा ऐसा और सीखा भी.
कि अभी इतना कमा लूं बाद में फिर सुख सुखी से होके रहूं, अभी बच्चों के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर लिया बाद में तो तुम्हें सुख देने वाले नहीं। ये सब इक्वेशन है कि खाली इंडिया की प्रॉब्लम है, इट्स यूनिवर्सल। या आई डू प्रेडिक्ट दैट दिस इज यूनिवर्सल। Good. See, when there are only few people now, I like the sessions more because it becomes interactive. मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं घर में बैठकर आराम से बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फिर ऐसे interactive sessions में पता है वैसे तो बहुत मजा आता है, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता time कितना हो गया। So I think you are ready now. कोई problem नहीं है। But I'll finish it when you are ready. Set the goal of your life. Goal is happiness right now. रिलीजन के नाम पर जो अभी भी रो रहा है ना वो रिलीजियस नहीं है। राखी मेक श्योर रिलीजियस के नाम, रिलीजन के नाम पर स्टिल इफ यू आर क्राइंग यू आर नॉट रिलीजियस, बिकॉज व्हेन रिलीजन एंटर्स इन योर लाइफ सॉरो डिमिनिशेस। व्हेन रिलीजन एंटर्स योर लाइफ सॉरो डिमिनिशेस, नॉट दैट आउटर सिचुएशंस गेट्स चेंज्ड। इसलिए नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन इसलिए कि उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। इट्स नॉट इवन स्वीकार भाव कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लो सिर पे पड़ा है, बिकॉज आजकल रिलीजियस टीचर यही सिखाते हैं सारे एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बट एक्सेप्टेंस सिखाते हैं आजकल कि एक्सेप्टेंस हैज लॉट ऑफ पावर, लेकिन एक्सेप्टेंस के अंदर इन इटसेल्फ देयर इज रिजेक्शन। क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ आज यहाँ थोड़े कम लोग आए, इस एक्सेप्शन में एक्सेप्टेंस के अंदर इन इटसेल्फ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रज इनसाइड। आई एम एंजॉयिंग व्हाटएवर पीपल आर हियर इन दिस सेशन, दैट्स इट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग इट। सो व्हेनेवर रिलीजन एंटर्स योर लाइफ सॉरो डिमिनिशेस, सॉरो चला जाता है। अभी भी धर्म के नाम पर आप रो ही रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल रिलीजन। मेक श्योर रिलीजन इज इक्वल टू हैप्पीनेस, धर्म यानी आनंद, और वो भी कल नहीं, कल तक भी हम डिले करने को तैयार नहीं, आज अभी और यही इसी बात। इफ यू आर हैप्पी यू आर इन टू रिलीजन, इफ यू आर नॉट हैप्पी यू आर आउट ऑफ रिलीजन। मेक श्योर ये हैप्पीनेस के लिए हमें वर्क कहां करना होगा, विद इन आवरसेल्फ्स नॉट आउटसाइड। इन ऑर्डर आज पूरा समाज पूरी कम्युनिटीज धर्म के नाम पर बाहर के ढांचे को बदलने में लगी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है रिलीजन के नाम पर कि ये आओ आप लोग यू ज्वाइन दिस यू विल गेट दिस यू विल, मतलब छोटी मोटी अट्रैक्शन तो ठीक है बच्चों को, हम लोग जाते थे पाठशाला में प्रभावना के अट्रैक्शन में व्हेन वी वर वेरी स्मॉल कि प्रभावना मिलेगी। अभी वो प्रभावना आगे आज तक के तो बच्चे इतने सैटिस्फाइड हैं घर में सब कुछ मिल जाता है, 10-20 रुपए की प्रभावना के लिए उनको कोई लालच होती नहीं, तो उनको बड़ी लालच दी जाती है कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा तुम्हें देवलोक मिलेगा, बट समवेयर वो लालच देने का काम ना अभी तक बंद नहीं हुआ। इफ रिलीजन इज इक्वल टू हैप्पीनेस, अगर धर्म यानी आनंद है तो इस आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें कार्य भीतर करना है बाहर नहीं। आज के सत्संग में राखी तुमसे और क्यों से तुम दोनों से भी बात कर रही हो और आनंद प्रभु से भी बात कर रही हो और जितने में बैठे सबसे भक्ति अगर कनेक्ट करती है, भक्ति सुनते सुनते कनेक्ट हो जाते हो, कनेक्ट होते हो, यू फील हैप्पीनेस इनसाइड, इज़न्ट इट? हम लोग अभी गाड़ी में आ रहे थे 4-4.5 घंटे की हमारी ड्राइव थी, एंड देयर वर भक्ति सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल भक्ति सॉन्ग्स वर गोइंग ऑन, वेरी मेलोडियस, इट गिव्स हैप्पीनेस। व्हाट रिलीजन डू, भक्ति सुनते सुनते जो आनंद आ रहा है उस आनंद को फोकस करो। हम कर क्या रहे हैं, भक्ति को फोकस करते हैं, तो जितनी देर भक्ति सुनते हैं उतनी देर हैप्पी। द मोमेंट सीडी इज ओवर अगेन वी आर इनटू द टॉक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, दिस इज नॉट रिलीजन। व्हेन अ रिलीजियस मास्टर एंटर्स इनटू योर लाइफ ही शुड टीच यू द वे हाउ व्हाइल लिसनिंग द भक्ति यू शुड कनेक्ट योर हैप्पीनेस, यू शुड फ्लरिश योर हैप्पीनेस, यू शुड मेक योर हैप्पीनेस, आपकी खुशी आपकी आनंद आपका इतना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए कि चाहे भक्ति खत्म हो जाए बट दैट आनंद की धारा इट इज कैरिंग यू थ्रू एंड थ्रू फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेज। अभी सत्संग सुनते समय आनंद आता है, अभी जैसे वी आर कनेक्टेड वी फील सो हैप्पी, सत्संग सुनते समय जो आनंद आता है दिस आनंद इज धर्म, सत्संग इज नॉट धर्म।
सत्संग इज जस्ट अ आउटर फॉर्म ऑफ आयोजन जिसके साथ हमें अंदर आनंद की फीलिंग मिल रही है. कनेक्ट टू योर दिस इनर हैप्पीनेस, दिस इज रिलीजन. एंड हाउ टू कनेक्ट दैट आई विल टीच यू थ्रू द मेडिटेशन नाउ. हम लोगों को लगता है सत्संग करो उससे ना धर्म हो गया. नो, बिकॉज धर्म यानी आनंद. सत्संग करते करते आनंद जो आने लगा ना, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा आप लोग डल थे और मैं भी थी, फिर धीरे धीरे 10 मिनट के बाद वी स्टार्टेड टेकिंग अ कनेक्शन कि अब हम लोगों को कनेक्शन फील होने लगा. तो अब जो अंदर हैप्पीनेस आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली रिलीजन. और इस रिलीजन को कैसे एनहांस करना चाहिए, कैसे इसे बढ़ाना चाहिए, कैसे इसे फ्लरिश करना चाहिए, दैट रिलीजियस मास्टर्स हैव टू टीच. नॉट टू टीच दैट कि भक्ति के साथ कनेक्ट रहो, सत्संग के साथ कनेक्ट रहो, दैट इज अ रॉन्ग वे. क्योंकि जहां तुम्हारा भक्ति और सत्संग खत्म होगा, तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा. देयरफॉर रिलीजन इज इक्वल टू हैप्पीनेस. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट हैप्पीनेस, हमको वर्क कब करना है, विद इन नॉट आउटसाइड. बाहर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस और मटेरियलिस्टिक, चाहे धार्मिक सिचुएशंस हो, चाहे तुम्हारी व्यवसायिक हो, व्यापारिक हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप आनंद में हैं, और ये आनंद अनकंडीशनल होता है, दिस आनंद, इसको बाहर की सिचुएशन से कुछ लेना देना ही नहीं होता. देयरफॉर आई से इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन आउटसाइड, अगर आप हैप्पी हैं अंदर, यू टेंड टू बिकम, यू आर अ रिलीजियस पर्सन, यू टेंड टू मूव टुवर्ड्स योर जर्नी. आपकी जर्नी आगे मोक्ष की तरफ बढ़ रही है. सो अ रिलीजियस माइंड इज वेरी साइंटिफिक. हैप्पीनेस के लिए करना क्या है, यू हैव टू वर्क समवेयर. माइंड कैसे है उसका, साइंटिफिक. इफ देयर इज इफेक्ट ऑफ अनहैप्पीनेस, मिजरी, अगर भीतर कहीं दुख है तो कारण है. कारण कहां है, इनसाइड. और रेमेडी कहां है, इनसाइड. सिंस वी हैव ओनली वन सेशन, आई कैनॉट टेल यू, आई कैनॉट एलैबोरेट, कैनॉट एक्सपैंड ऑन दीज थिंग्स कि कारण क्या है, उसको कैसे ढूंढे, आई कैनॉट. Therefore, I will just give few of the points, basic points. So, religious mind, who is religious? Number one, who sets the goal. What is his mind like? His mind is very scientific because he believes in the theory of cause and effect. कारण कार्य सिद्धांत में वो पूरा पूरा विश्वास करता है. अगर भीतर कहीं खुशी का कार्य हो रहा है तो कारण भी है, कारण भी भीतर है और सब कुछ तुम्हारे अंदर है. भीतर कहीं दुख का कार्य हो रहा है तो कारण आपके अंदर है और उसकी रेमेडी भी आपके अंदर है. He believes totally, scientifically, he understands every aspect of his world. Scientifically, उसको पता चलता है अगर मेरे व्यापार के अंदर लॉस हो रहा है, if my organization is facing some sort of losses, the reason lies within me, not with the inconducive government policies. कहीं ना कहीं मेरी अपनी कहीं कोई फ्लॉ हो रही है, therefore the things are going down. और अगर वो दुखी है तो वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे दुख का कारण is my lot of expectation towards outer people. His mind is scientific. His attitude, second number comes, उसका attitude कैसा होता है, वो बड़ा arrogant होता है, वो बहुत ज्यादा विनयी होता है, बहुत विनय सबके आगे हाथ जोड़ता रहता है. These all are outer attitudes. I would like to discuss about the inner attitude, कि उसका आंतरिक वृत्ति उसकी कैसी होती है. तो the attitude of religious person is always full of gratitude. Religious व्यक्ति कौन है जिसके जीवन में हर क्षण थैंक यू है, कहीं पर भी उसके जीवन में कोई कंप्लेन्स नहीं है. For any situation that comes in his life, he is always full of gratitude, no complaints. और हमने अपने जीवन में, मैंने देखा है, हमें अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों से तो कंप्लेन होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें भगवान से कंप्लेन होती है कि तुमने हमारे आसपास के लोग ऐसे क्यों बनाए. अरे अगर भगवान से ही बातें करें, देखो सम पर्सन वाज टेलिंग मी अभी रिसेंटली लंदन रिट्रीट के बाद कि आई एम रियली अनहैप्पी विद माय वाइफ, भगवान ने कैसी वाइफ मुझे दी है. मैंने कहा ओके, डू यू हैव अ टीवी इन योर हाउस, कहते हां, इसको टीवी को बीवी को क्या लेना देना. मैंने कहा ओके, इफ यू हैव, डू यू हैव टीवी इन योर हाउस, कहते हां टीवी है. मैंने कहा ओके, अगर तुम्हारा टीवी बिगड़ जाता है, समझ लो ना किसी कारण से, तो तुम क्या टीवी को क्वेश्चन करते हो कि टीवी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को
profession, our wives, our children, our business, our property, why you are giving so much trouble to me, but you are never ready to question that eternal person, ki why I am always on this complaining note. So a religious person always makes this habit ki koi bhi situation life mein ho, is always full of gratitude. Thank you God, jo bhi hai aisi wife to hai na. Thank you God. We are in the practice of writing at least 2 to 3 thank you God's daily. कहीं ना कहीं हम भगवान के साथ इतने ज्यादा कंप्लेंट्स में जुड़े हुए हैं. और आप खुद सोचिए, अगर आप सिंपली आपकी वाइफ के साथ भी अगर आपको कंप्लेंट्स बहुत चल रही हैं, आप डेली अपनी वाइफ को कंप्लेन करते हैं, आज तुमने ये ठीक नहीं किया, आज आपने ये ठीक नहीं किया, आज आपने ये ठीक से नहीं बोला, डू यू थिंक द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर वाइफ इज गोइंग टू बी ऑलराइट? डू यू थिंक? आप रोज अपने हस्बैंड से कंप्लेन करते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने वो ठीक से नहीं बोला, ये ठीक से नहीं रखा. डू यू थिंक योर हस्बैंड और आपके बीच में रिलेशन राइट होगा? डू यू थिंक? नहीं हो सकता. तो जब आप रोज भगवान के सामने शिकायत ही करते जा रहे हैं कि तुमने मेरी जिंदगी में ये ठीक से नहीं दिया, तुमने मेरी जिंदगी में ये ठीक से नहीं रखा, डू यू थिंक योर एंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड इज गोइंग टू बी परफेक्ट वन? Is it possible? When you keep on complaining to some person कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं दिया, ये ठीक नहीं रखा, तो relation perishes, it goes away, dent पड़ जाता है relation के ऊपर. तो बचपन से आज तक हम भगवान के साथ यही तो करते आए हैं. हमारा relation कैसा है? Question paper अच्छा नहीं दिया, teacher अच्छी नहीं थी, friends अच्छे नहीं दिए, girlfriends अच्छी नहीं दी, wife अच्छी नहीं दी. आप हर जीवन के हर स्तर पर अगर भगवान को कंप्लेन ही करे जा रहे, do you think the love between you and your God is going to increase? Do you think? No way. Therefore, a religious person is very intelligent person. Religion मूर्खों का काम नहीं है, बेवकूफों का काम नहीं. I tell them, अंधविश्वासी लोग तो घर पर बैठो, because हम लोगों के सेशंस उन्हें नहीं समझेंगे. हम लोगों के वेज उन्हें नहीं समझ में आएंगे. वी टॉक अबाउट साइंस, वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स आल्सो इन रिलेशन. वी टॉक अबाउट, ओ माय गॉड, आपने तो देखा है, ओएमजी पिक्चर के बारे में भी हम बात करते हैं. वी टॉक अबाउट एवरी न्यू मूवी दैट हैज लॉन्च्ड, अगर हमने देखी है. वी टॉक अबाउट साइंस, वी टॉक अबाउट आर्ट्स, वी टॉक अबाउट कॉमर्स आल्सो, बट वी रिलेट एवरीथिंग टू रिलीजन. देयरफॉर अ रिलीजियस पर्सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज ही डेवलप्स दिस एटीट्यूड. बचपन से हमारा एटीट्यूड उल्टा है कि बात बात पर भगवान से जाके शिकायत करो, क्योंकि वही एक तुम्हारी सुनता है, वो सिखाया ना, वो एक नीली छतरी वाला वही तुम्हारी सुनता है. सारा का सारा कंसेप्ट हमारा गलत है. यू हैव टू चेंज इट समवेयर. वी हैव टू रीप्रोग्राम आवर बिलीव्स. देयरफॉर वी नेम दिस सेशंस एज रीप्रोग्रामिंग सेशंस. सत्संग नहीं समझते कुछ लोग तो हम इसे रीप्रोग्रामिंग सेशंस का नाम दे देते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं आपकी कि भगवान से मांगते रहो, शिकायत करते रहो. मांगना यानी क्या? भगवान से मांगना यानी क्या? कि जो है उसमें यू आर नॉट हैप्पी, इजंट इट? हमें व्हाट डस मांगना मीन कि भगवान हमें ये दे दो, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग जो उन्होंने दिया है उससे यू आर नॉट हैप्पी, यू आर कंप्लेनिंग. एंड व्हेनेवर यू आर complaining to even any living person, then you know that your relation with that person cannot be that much loveful, isn't it? Similarly, if you keep on complaining to God, if you keep on complaining, then nature, लोग nature का भी complain कर. दीदी कह रही थी ना, इस बार अभी तक ठंड पड़ रही है यहाँ. अरे क्योंकि you enjoy this ठंड ना, हमें तो ठंड नहीं मिलती. अगर आपको ये ठंड लग रही है यहाँ पर, you enjoy this. चलो उन्हें ठंड दी थोड़े और दिन. लेकिन हमें भगवान से कंप्लेन है, उनकी बनाई प्रकृति से कंप्लेन है, हमें दिए इन रिलेशन से कंप्लेन है. लोगों को अपने पेरेंट्स से कंप्लेन होती है. डू यू हैव एनी चॉइस इन सिलेक्टिंग योर पेरेंट्स? डू यू हैव एनी चॉइस? यू हैव गॉट चॉइस इन सिलेक्टिंग योर लाइफ पार्टनर्स, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस इन आइदर सिलेक्टिंग योर पेरेंट्स और सिलेक्टिंग योर किड्स. लेकिन तुम्हें अपने किड्स से कितनी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ कितनी कंप्लेंट्स है. एंड विद ऑल दिस कंप्लेंट्स यू फॉरगेट टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड
and the religious mind is that who develops this attitude of gratitude. धन्यवाद की धारणा अपने भीतर ग्रहण करता है क्योंकि जब तक आप धन्यवाद का संबंध नहीं बनाते तब तक वो संबंध कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी वीक लिंक इतने वीक संबंध के साथ आप एटर्निटी की यात्रा कभी भी नहीं कर पाओगे इट्स अ लॉन्ग वे टू रीच योर इटर्नल सोल और अगर आपका रिश्ता ही ज्यादा अच्छे से नहीं बना देन यू कैन नॉट ट्रैवल वेरी लॉन्ग द हु इज रिलीजियस Number one, who sets the goal of his life? What's the goal of the life? Is this clear? Where he has to locate this happiness? Within. In order to locate this happiness, his mind is equal to scientific. His mind is scientific who believes in the theory of cause and effect. If there is an effect of unhappiness inside, there is a cause. And if there is cause, there is a remedy. Therefore, I can remove all my unhappiness. कैसे करेंगे ये कभी हम next sessions में मिले तो we can definitely discuss in more detail. Otherwise, you people can watch it on YouTube. Because हम हर सत्संग में बस यही बात कर रहे हैं how to get rid of that inner unhappiness and how to explore that infinite happiness जो आपके भीतर ही पड़ी है. Therefore, a religious mind is scientific. Religious attitude is full of gratitude, thankfulness. Religious living is. What is a religious living? हम लोगों को लगता है religious living मतलब सुबह एक घंटा सामायिक करना या ध्यान करना या आप लोग पूजा करते हो तो पूजा करना हमें लगता है religious living is just that perform one hour of rituals, whatever rituals you are doing. No, religious living is equal to natural living. No double faces. No double standards. Whatever you feel, whatever you think, whatever you speak, they all should be in sync with each other. तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या feel कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो. You should know, you should have that capability, that potential, that ability to discriminate between right and wrong. तुम्हें पता होना चाहिए wrong है, इसे discard करना है, ये right है, इसको पकड़ना है, इसे ग्रहण करना है. And with that attitude, you live a natural life बिना किसी बनावट के. जबकि धर्म के नाम पर ही मैं लोगों के इतने सारे double faces देखती हूँ. इतने मुखौटे दिखते हैं, इतने मुखौटे. यहाँ कुछ है, हॉल से बाहर जाके कुछ है. खाने की टेबल पर कुछ है. इनफैक्ट 10 लोग घेर के बैठे हैं, तो खाने में दो आइटम खा रहे हैं. और अगर अकेले खा रहे हैं, तो पूरा प्लेट भरकर खा रहे हैं. I have seen this. हम लोग जब शादियों वगैरह में अब तो कम होता है हमारा जाना सत्संगों से फुर्सत नहीं मिलती लेकिन कभी शादियों में जाते तो वी यूज्ड टू सी दिस थिंग कि दिस इज अ सो कॉल्ड रिलीजियस मैन कि इफ सो मेनी पीपल आर लुकिंग एट हिम तो उसके खाने की प्लेट उड़ जाती है अगर कोई भी नहीं देख रहा तो पीछे से ही क्या था नंबर ऑफ थिंग्स सिमिलरली इन द मंदिर ऑल्सो आई हैव सीन लोग पूजा करते हैं नव की पूजा आप लोगों के यहाँ कौन श्वेतांबर है दिगंबर मंदिर मुझे बोला था हिंदी और इंग्लिश में और थोड़ा सा गुजराती में तो मैं गुजराती भूल गई पर तुमने समझाया था ना मंदिर में पूजा कर रहे होंगे फटाफट फटाफट सब जगह टीके लग रहे होंगे जहां कोई उन्हें देखने लगेगा उन्हें पता चलेगा पांच छह लोग आ गए मेरे पीछे लाइन लग गई अब सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है रिलीजियस पर्सन शेड्स ऑफ दिस ड्यूअलिटी ऑफ एक्शंस जितनी ज्यादा हमारे ड्यूअलिटी ऑफ एक्शंस है उतना हम रिलीजन से दूर जाते जा रहे हैं एवरी नेचुरल लिविंग नॉट बिकॉज इवन दान भी देना है ना तो नॉट बिकॉज इससे मेरा पुण्य इकट्ठा होगा और पुण्य इकट्ठा होगा तो मुझे देवलोक में जन्म मिलेगा नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीजन तुम्हें लगता है कि दिस पर्सन इज वर्थ गिविंग ये बेचारा गरीब है दिस इज अ नीडी दिस पर्सन नीड्स सम बुक्स उसको तुम्हें देना है तो सिंस यू फील हैप्पीनेस राइट नाउ यू आर गिविंग इट ओवर रिलीजियस पर्सन का आगे भविष्य के साथ तो ना कोई कोई लेन देन ही नहीं होता अभी के अभी यही आई फील हैप्पी सो आई एम डूइंग इट फॉर यू आनंद प्रभु आपको यू फील कनेक्टेड विद गौतम प्रभु ऑन दैट क्लिक
यू आर डूइंग इट. कितने आएंगे ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं. ये आपने सोचा था इसलिए आप हर्ट हो गए, है कि नहीं? आपने सोचा इसलिए आप हर्ट हो गए. यू जस्ट डू बिकॉज आई एम इन लव विद इट, आई एम एंजॉयिंग इट एंड देयरफॉर आई एम डूइंग इट. अभी तुम्हारे यहाँ पे फूल खिलेंगे, अभी कहते हैं ना अभी आएंगे, बस मौसम आ रहा है आपके यहाँ, फूल खिलेंगे. वो फूल किसके लिए खिलते हैं? कितने लोग देखने वाले हैं? यहाँ तो लोग ही नहीं है. लोग में फिर आ रही इस पॉइंट पे. राखी प्रभु बोलती है कि आप घूम फिर के एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं कि यहाँ लोग नहीं है. मैंने कहा ठीक है, अभी आप फूल इतने अच्छे खिलते हैं तो क्या ये सोच के खिलते हैं कितने लोग मुझे देखने वाले हैं? वहां पे इंडिया में हमारे यहाँ 10 फूल खिलते हैं ना तो 1000 लोग देख लेते हैं. आपके यहाँ 1000 फूल खिलेंगे तो 10 लोग देखने वाले होंगे. बट क्या फूल ऐसा सोच के खिलते हैं? नहीं, जस्ट दे थिंक कि मौसम आ गया है, ये ऋतु आ गई है खिलने की, तो वो खिल जाते हैं. और उनकी खिलावट को तुम 10 लोग भी देख लो ना, यू एंजॉय और तुम भी खिल जाते हो. इजंट इट? अभी बताया था ना जहां हम रहकर आए कि पूरा गार्डन यहाँ पर फूलों से भर जाएगा. दे वर फीलिंग सो हैप्पी. मैं कहा इस गार्डन को देखने वाला कौन है? वो बूढ़ी दादी बेचारी है. नो वन एल्स इज गोइंग टू सी एट दैट गार्डन. लेकिन बस फूल खिलते हैं क्योंकि मौसम आ जाता है. रिलीजियस व्यक्ति भी कुछ काम करता है जस्ट बिकॉज उसको अंदर से मजा आता है. कितने लोग देखेंगे, आगे कितने क्रेडिट्स मिलेंगे इसके, आगे कौन से देवलोक में हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ये सब सोचकर नहीं करता. लेकिन आज का रिलीजियस व्यक्ति यही सब कर रहा है. डोंट यू थिंक ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत लोगों के बीच सत्संग की बातें कर रही हूं? ऐसा यहां पर भी होता है ना? ऐसा यहां पर होता है ना? और वहां खाए थे ना बेल के बंधु गणी गणी ने गणत्री नेक्स्ट भाव माटे देखा देखी मैं बंधु. It so happens. Coldness, isn't it?
chilling hai, aap to cold bhi nahi bol sakte. You can experience that chillingness of air. Bas wo experience hai na, us tak pahunchana har religion ka kaam hai. Har window ka kaam ye hai ki tum us experience tak pahunchaye jahan par koi bhedbhav nahi, kahin koi mera tera nahi, kahin koi achcha bura nahi, kahin koi chhota bada nahi, kahin kuch bhi matbhed nahi hai. Us jagah tak pahunchana, lekin I think humne isi ke naam par इस विंडो के थ्रू देखने के बदले हम खाली विंडो को देख रहे हैं. डोंट यू थिंक द पर्पस ऑफ द विंडो इज टू लुक थ्रू मी एंड वी आर लुकिंग ओनली टू विंडो एंड देयरफॉर क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ क्योस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ फाइट्स इनटू आवर लाइफ. अ रिलीजियस माइंड बिलीव्स इन नेचुरल लिविंग. उसकी लिविंग इतनी नेचुरल है बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम डूइंग इट एंड दिस एंजॉयमेंट इज अनकंडीशनल. मेक श्योर, क्योंकि अब घर जाके अगर आप ये लेक्चर अपने बच्चों को रिपीट करेंगे तो कहेंगे हाँ जी पापा हम भी डिस्को जाना एंजॉय करते हैं. सो वी आर आल्सो ऑन द राइट पाथ. कोई कहेगा हम जाके ड्रिंक करना एंजॉय करते हैं, सो वी आर ऑन द राइट पाथ. नो, दिस हैज टू बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल मींस इफ दैट थिंग इज टेकन अवे फ्रॉम यू, यानी कि अगर कोई इंसान ड्रिंक करके खुश होता है तो अगर वो ड्रिंक हटा दिया जाए तो भी वो खुश है. तो इट इज कॉल्ड अनकंडीशनल हैप्पीनेस. बस उसकी हैप्पीनेस बाहर की किसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. रिलीजन इज देयर टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बट वी मिस समवेयर. एंड व्हाट इज फाइनली द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. उसका माइंड कैसा है? साइंटिफिक है. उसका एटीट्यूड कैसा है? ग्रैटिट्यूड से, धन्यवाद, थैंक यू ना भाव थी. उसकी लिविंग कैसी है? नेचुरल. ही डज समथिंग बिकॉज ही एंजॉयज इट. नॉट दैट ही विल गेट एंजॉयमेंट लेटर, नॉट दैट ही विल गेट हैप्पीनेस लेटर, बट ही इज एंजॉयिंग इट इन डूइंग इट सेल्फ. वो करने में ही इतना खुश है कि सारी की सारी उसकी फ्यूचर की जितनी भी कैलकुलेशन है सारे भी इकट्ठा करने की वृत्ति है सारी उसकी वहीं फिनिश हो जाती है. हैप्पी राइट इन द प्रेजेंट. He lives a natural life and his state of existence. Uska antakaran kaisa hai? So they say it is non-reactive. Kaisa hai? Non-reactive. Matlab life mein koi bhi situation aata hai, uske antakaran ko jyada kuch farak hi nahi padta. And this can be accomplished through the entire introspection and meditation. Introspection karo first 3 points ka. Whether your mind is scientific, हर चीज के पीछे तुम कारण ढूंढ लेते हो. राइट, इफ यू आर डूइंग राइट इंट्रोस्पेक्शन, फाइन. हर सिचुएशन में योर एटीट्यूड इज दैट ऑफ ग्रेटिट्यूड. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने भीतर जांच कर, जांच कर देखना होगा. एंड नंबर 3, तुम नेचुरल जीवन जी रहे हो ना, बनावटी तो नहीं जी रहे. दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो कि अपनी खुशी में से ये जीवन जी रहे हो, फिर दूसरे खुश होते हैं, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. अगर ये 3 चीजों को आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो नंबर 4 दैट इज द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉन रिएक्टिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये अपने आप आती है थ्रू द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. अपने आप आती है, लेकिन बीच में भी द ब्रिज ऑफ मेडिटेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं. द मिशन इज टू अवेकन के भीतर की तरफ भागो, बिकॉज एक पूरी हैप्पीनेस, इनफाइनाइट हैप्पीनेस की दुनिया तुम्हारे भीतर है. बोकासो नाम का एक सूफी फकीर था एंड इज माय फेवरेट, यानी कि यूजुअली हर सेकंड या थर्ड सत्संग में उसकी बात आती है. वंस ही वेंट टू जापान. जापान गया, अपने फ्रेंड के यहाँ, मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था और उन दोनों के बीच बहुत वन टू वन सत्संग होता था. उसके फ्रेंड को ऐसा लगा, बोकासो तुम आए हो इतनी दूर से, चाइना से तुम इम्पोर्ट किया है, तो इच्छा है कि तुम और भी लोगों तक लाभ पहुंचाओ. खाली मेरे और तुम्हारे बीच में जो गुफ्तगू हो रही है, आई थिंक आई हैव बीन अवेकन्ड विद योर टॉक्स. महीने तक बोकासो उसके घर रहा तो उसके फ्रेंड को ऐसा लगा मैं तो पूरी तरह अवेकन हो गया हूं, इट्स टाइम कि और लोगों को भी इस अवेकनिंग के अंदर हम लोग इंक्लूड करें. तो वो लोग क्या करते हैं, घर तो छोटा था तो वो लोग एक होटल के अंदर अवेकनिंग सेशन एक अपना ऑर्गेनाइज करते हैं. और थॉट्स के फ्रेंड्स लोगों को पहली बार अवेकनिंग सेशन में बुलाना है तो थोड़ा खाना पीना भी हो जाए, तो पहले अच्छे से खाना पीना खिला के, जैसे आप लोगों ने अभी हमें खिलाया, वैसे अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं और फिर पूरे सेशन के लिए अपना कॉन्फ्रेंस हॉल सेट करते हैं.
बुकाजो बैठे हैं यहाँ, उनके फ्रेंड यहाँ बैठे हैं और आसपास 50-100 लोग आए हैं, सारे आराम से बैठे हैं, जस्ट रेडी टू हियर व्हाट बुकाजो इज गोइंग टू टेल। अभी तो बुकाजो ने हाथ में माइक लिया और बोलना शुरू किया, एंड सिंस इट वाज जापान, अचानक बहुत तेज अर्थक्वेक आया, बहुत जोर का अर्थक्वेक आया। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो सारे जितने उस हॉल में 100 लोग बैठे थे, 99 लोग भाग खड़े हुए। कौन रहा होगा तुम्हें मालूम? बुकाजो, क्योंकि अब उसके माइक और के साथ वही बैठा हुआ है। सुनने वाले जितने आए थे, अर्थक्वेक ऐसा जबरदस्त आया कि सारे भाग गए, बस बुकाजो अपनी सीट पर ऐसे जस्ट बैठा है और उसका जो फ्रेंड है वो आसपास भाग रहा है कि देख लूं कहीं कोई दीवार गिर जाए तो बुकाजो को उठा के ले जाऊं। वो तो आंख बंद करके बैठ गया बुकाजो, इसलिए वो आसपास घूम रहा है, लेकिन सारे के सारे फ्रेंड्स भाग गए। होटल ऊंचा था, 50 जापान है, 50th फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस थी, तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट वगैरह तो सब कुछ बंद हो गया। 50 फ्लोर्स उतर उतर के सारे फ्रेंड्स वगैरह नीचे आए और बाय द टाइम दे वर ऑन द 3rd फ्लोर, पता चला अर्थक्वेक स्टॉप, और उन्होंने टीवी पर भी देख लिया, देयर इज नो मोर रिस्क, यू कैन एंजॉय, यू कैन कंटिन्यू व्हाटएवर यू वर हैविंग। सबने सोचा चलो बढ़िया है, बुकाजो आए हैं तो चलो वापस ऊपर चलते हैं। थोड़े तो चले गए, लेकिन 20-25 फ्रेंड्स वापस ऊपर आए, आकर देखा आश्चर्यचकित थे, बुकाजो जैसे भूकंप के पहले बैठे थे वैसे ही भूकंप के बाद भी एज इट इज वही उसी चेयर पर बैठे थे। फ्रेंड आ गया था पास में आकर बैठा, और ये 25 लोग भी आकर घेर कर बैठ गए। अरे बुकाजो, थोड़ी देर बाद बुकाजो ने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, अरे बुकाजो इतना तेज अर्थक्वेक आया, इतना तेज भूकंप आया और तुम कहीं भागे ही नहीं, क्या पाया है तुमने ऐसा, क्या तुमने डर को जीत लिया है? बुकाजो ने बोला, नहीं अभी मैंने डर को जीता नहीं है। तो हुआ क्या, तुम इतनी देर से यहां बैठे थे क्यों, तुम्हें पता नहीं चला इतनी तेज भूकंप आया? कहते हाँ मुझे पता चला, सी ही वाज अ फकीर, रियल फकीर, फकीर मतलब द एनलाइटेंड सोल सूफियों की भाषा में। कहते भूकंप आया मुझे पता भी चला, भय भी लगा, अंदर में डर भी उठा मेरे, लेकिन इस भूकंप पे तुम लोगों को मैंने भागते देखा और मेरी आंतरिक चेतना ने मुझसे हंसकर कहा कि ये लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि भूकंप से जहां भाग रहे हैं वहां भी तो भूकंप है, ये सारे बेवकूफ लोग भूकंप से भूकंप में भागने की दौड़ लगाए हैं, तो मैं कहीं ऐसी जगह भागूं जहां भूकंप नहीं है। और मेरी आंतरिक चेतना ने मुझे जवाब दिया, तो भीतर भाग, क्योंकि बाहर से बाहर भागने में क्या, व्हाट इज द विजडम इन इट, तुम भूकंप में से भाग के जा पा रहे हो, भूकंप में कहां तक भागोगे, तुम रास्ते पर जाओगे वहां भी भूकंप है, तुम सीढ़ियों में जाओगे वहां भी भूकंप है, हर जगह देयर इज दैट ट्रॉमा। और बुकाजो कहता है, भूकंप के अंदर तुम भागे बाहर, लेकिन भूकंप में मैं भागा भीतर, जहां कुछ भी कभी कंपित नहीं होता, जहां कुछ भी कभी हिलता नहीं, और वही थी मेरी चेतना। तुम्हारे इस भूकंप के भीतर भी मैंने तो अपने स्थिर स्वरूप की अनुभूति कर ली, इतनी जागृति, इतनी अवेयरनेस, इतनी स्टेट ऑफ अटेंशन, इतनी स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस ह्यूमन लाइफ के अंदर ही हम इवॉल्व कर सकते हैं, कि बाहर से बाहर भागने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। तुम बाहर से थोड़ा भीतर भागो ना तो मजा आए, और इस भीतर भागने में फर्स्ट स्टेशन आपकी अपनी बॉडी आती है। Because now we will take you towards a short meditation round. You are ready? You are ready for that? हम एक छोटे से meditation round की तरफ जाएंगे, लेकिन first station is this body. और आज जो हमारे पास time है उसमें हम लोग body station पर ही रहने की पूरी तरह कोशिश करेंगे at least. भूकंप से भूकंप में नहीं भागना, और भूकंप के समय भीतर भागना, यानी लाइफ में जब कोई भी सिचुएशन आ रही है उन सिचुएशंस में से सिचुएशंस की तरफ, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ नहीं भागते हुए इनर अवेकनिंग की तरफ भागना, दिस शुड बी द पर्पस ऑफ योर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का गोल है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए यू हैव टू बी रिलीजियस। हु इज रिलीजियस? द वन हुज माइंड इज साइंटिफिक, हुज एटीट्यूड इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, हुज लिविंग इज वेरी नेचुरल, एंड हिज स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस इज नॉन रिएक्टिव।
अगर भूकंप आया तो वो भागना शुरू नहीं करता, वो भीतर अपने अस्तित्व के प्रति और ज्यादा सजग हो जाता है, जाग जाता है। हम लोग भी इस तरफ आने की कुछ कोशिश करते हैं थ्रू आवर शॉर्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर दो तीन राउंड हम देखते हैं हाउ वी प्रोसीड फर्दर। आई थिंक टू राउंड वी विल बी डूइंग इट। फर्स्ट राउंड में यू हैव टू ब्रीथ आउट एंड मेडिटेशन इज द वे कि जिससे आपके माइंड के अंदर जो भगदड़ भूचाल चल रहा है इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। भूचाल कहाँ है? बाहर तो भूचाल होंगे लेकिन एक्चुअल भूचाल तो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। सतत विचारों का एक भूचाल कोलिजन तुम्हारे भीतर चलता ही रहता है। थ्रू दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस हम इस विचारों के भूचाल को, भूकंप को, इस कोलिजन को रिड्यूस करते हैं। और जब वो कोलिजन रिड्यूस होता है तो हमें पता चलता है कि कितने नॉन फ्यूटाइल, कितने बेकार के थॉट्स, मतलब फ्यूटाइल थॉट्स हमारे माइंड में हम लोग बिल्ड करते हैं। मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ योर थॉट्स। जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस स्लो होगा वैसे वैसे आप अपने आप समझ पाएंगे कि कितने बेकार के थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। अब ये बेकार का है तो इसका क्या करना है? रखना है? No, I am religious. I want to live a happy life. Thought. Meditation allows you to become, to understand your thought procedure very well. ये अच्छा thought है, ये बुरा thought है, ये रखने वाला है, ये नहीं रखने वाला। इस thought के ऊपर ज्यादा work करना है, इस thought के ऊपर कम work करना है। Meditation धीरे धीरे हमें उस step पर ले आता है जब हम लोगों को लगता है कि अब reaction करके कोई फायदा ही नहीं है। And do you think reaction करके कभी कोई फायदा हुआ? आपको लगा है कभी कि आज हमें गुस्सा किया और बहुत फायदा हो गया? इनफैक्ट कभी भी फायदा नहीं होता, ना गुस्से के टाइम पर ना गुस्से के बाद। बच्चा थोड़ी देर के लिए डर कर आपसे बात मान जाता है लेकिन जिंदगी भर के लिए आपसे दूर हो जाता है। एम्प्लॉय डर कर आपका काम कर देगा लेकिन पीछे से सारे फुल सॉर्ट्स ऑफ घपला आपके पीछे से करेगा। गुस्से में कभी कोई फायदा नहीं है। बट इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए? लोगों से मैं बात करती हूँ तो आई डोंट टेल देम कि गुस्सा मत करो। आई डोंट टेल देम बिकॉज वो आपको भी पता है कि गुस्सा करने जैसी चीज नहीं है। आई नेवर टेल देम कि डोंट एंटर इनटू ईगो बिकॉज यू पीपल हैव एक्युमुलेटेड लॉट ऑफ नॉलेज। यू ऑल्सो नो दैट ईगो इज नॉट राइट, यू ऑल्सो नो दैट एंगर इज नॉट राइट, यू नो कि ग्रीड है, जेलसी है, ये सब बेकार है। बट हर धर्म यही कह रहा है कि गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो। बट कैसे ना करें? हाउ टू कम आउट ऑफ इट? आवर अवेकनिंग ड्राइव इज ऑन दैट पॉइंट कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट। एंगर नहीं करना है तो आप सबको पता है कि नहीं पता, फिर भी समय आता है तो एंगर हो जाता है, हम कहते हैं। देन हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हम मेडिटेशन के थ्रू लोगों को ये सिखाना चाहते हैं हाउ टू कम आउट ऑफ इट ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ एंगर। How to recognize that the anger is coming, the turbulence of anger is coming. जैसे वो फ्लाइट में हमारा पायलट पहचान जाता है ना कि थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद टर्बुलेंस है तो वो सीट बेल्ट साइन ऑन कर देता है। जब टर्बुलेंस आती है तब थोड़ी अनाउंसमेंट होती है, उससे 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि हर कोई अपनी सीट पर वापस चला जाए और सीट बेल्ट साइन नाउ स्विच ऑन अगेन। लाइफ में एंगर की टर्बुलेंस आए उससे पहले तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अब आई एम गोइंग टू बिकम एंग्री। मेरे संस्कार है, सिचुएशन ऐसे बनती जा रही है, मैं गुस्से में जाने वाला हूं, मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में जाने वाला हूं। यू मस्ट फोर्सी दैट और जैसे आप फोर्सी कर लो तो उसके बाद सी बैट ऑफ मेडिटेशन। इंट्रोस्पेक्शन से यू कैन foresee the turbulence coming and meditation से you tie yourself with the seat belt कि अब situation आएगी तुम्हारे seat belt बांधने से turbulence नहीं चला जाएगा। Situation आएगी but you will be safely passing through that situation very nicely. We try to teach people that sort of meditation कि जिसके अंदर वो किसी भी situation में non-turbulent रहे उनका mind. So in the first round, we'll be exhaling out, breathing out, first round. And breathing out should be very meditative on the musical beats. हम लोगों के total meditations musical beats के ऊपर होते हैं। जब आप breathing out करेंगे, तब खाली stomach को थोड़ा पीछे push करना है।
That's it. Your entire focus should be on the stomach area, not mind area. Neither nose area. No. Only stomach area. Thoda stomach ko push kar rahe. And can you make them listen the voice?